It's Mithali and welcome back to my channel. So today I am with a collection video. This is my first collection video and as cleared it is a shoe collection video. ये video बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने सभी shoes को नहलाया धुलाया और इसको इस stand पे सजाया, पर ना ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये मतलब मेरी कबर्ड के नीचे वाले ड्रॉर में रहते हैं. शू स्टैंड मैं कभी यूज नहीं करती थी, ऐसे ही पड़ा हुआ था, बट इस वीडियो के लिए ही काम आ गया. So before starting this video, I want to give a disclaimer that I am not trying to brag or show off in any way. मैंने अपनी Instagram पे जो है post डाला था, story डाली थी, जिसमें मैंने मतलब दो videos की choice दी थी and my Instagram followers and friends chose shoe collection video first. So that's why I am posting this. And I am a shoe fetish person. I love collecting shoes. I mean I don't have bags and accessories, मेरे पास इतना नहीं है, but shoes आप देख सकते हो मेरे पास काफी है, because मुझे बहुत पसंद है shoes collect करना. मुझे और किसी चीज का भी इतना शौक नहीं है. एक shoes, एक crockery, ये दोनों चीज है जो मुझे collect करना बहुत पसंद है. So without any further ado, let's get started with today's video. So मृदु शर्मा है जिन्होंने वीडियो ये वाली करी थी एंड शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस. लाइक ये बहुत ट्रेंडिंग है कि हम खुद ही क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब क्वेश्चंस किसी से पूछते हैं, बट मैं अपनी वीडियो में खुद से ही क्वेश्चंस पूछूंगी एंड खुद ही आंसर करूंगी ताकि आप लोग को पता लगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज माई मोस्ट बेसिक पेयर ऑफ शूज. ओके, मेरे पास एक पेयर ऑफ शूज था विच वॉज फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, विच वॉज लाइक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस वन, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस वन. दैट वन वॉज फ्रॉम क्लब फैक्ट्री वाइट शूज, जो मेरे मोस्ट बेसिक पेयर ऑफ शूज थे. मतलब मैं वो बहुत बहुत पहनती थी एंड जस्ट बिफोर क्वारंटाइन वो खराब हो गए, एंड जस्ट बिफोर क्वारंटाइन वो खराब होते ही मैंने एग्जैक्टली सेम दूसरे मंगवा लिए, बट इसका स्टफ थोड़ा सा डिफरेंट है. सो दीज आर माई मोस्ट बेसिक पेयर ऑफ शूज. सेकेंड इज मोस्ट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज. मोस्ट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज आई विल से ये वाले है, दीज आर फ्रॉम लुलु एंड स्काई. ये वाले शूज जो है काफी एक्स्ट्रा लगते हैं मुझे, बट बहुत बहुत क्लास के, बहुत सुंदर है, मैंने इसीलिए मंगवाए. आई लव दीज वन. मोस्ट फेवरेट पेयर ऑफ शूज, अगेन वो क्लब फैक्ट्री वाले ही थे. ये वाले जो है मुझे अभी एक बार भी पहनने का मौका नहीं मिला है, बट लेट्स सी ये वाले कितने ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं. फोर्थ वन इज मोस्ट कॉम्फी पेयर ऑफ शूज, वो भी वो क्लब फैक्ट्री वाले ही थे. वो मैंने इतने पहने हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर वही शूज है, बट अभी वो टूट चुके थे तो मैंने वो फेंक दिया और ये न्यू मंगवाए थे. सो या, सो वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू मेंशन दैट यहाँ पर मेरे 5 पेयर ऑफ शूज अभी नहीं हैं, वो मेरे हॉस्टल में पड़े हुए हैं, जिनमें से 2 हैं ब्लॉक हील्स, एक पिंक कलर में, न्यूड पिंक में, और एक ब्लैक में, जो इतना साइज वाला बहुत फेमस ब्लॉक हील्स, बहुत कैजुअल सा चल रहा है ना, वो वाले 2 पेयर, और 2 पेयर ऑफ थोड़ा मतलब इस टाइप का. एक पेयर एग्जैक्टली यही है, बट बिल्कुल डिफरेंट स्टफ में, मतलब चीज और डिजाइन एकदम डिटो सेम है, बट स्टफ एकदम प्रॉपर वेलवेट ग्रे में है. मुझे फोटो मिलेगी तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी. आई वॉन्ट स्टार्ट अप विद हील्स बिकॉज आई लव हील्स, मुझे हील्स पहनना बहुत पसंद है, तो मैं हील्स के साथ शुरू करना चाहती हूँ अपनी वीडियो. सो द फर्स्ट पेयर ऑफ हील्स आई हैव इज दिस वन. ब्लैक कलर की हील्स है, मुझे नाम से ना एक्चुअली नहीं पता होती कि कौन सी कैटेगरी है ये हील्स की, बट या ये ब्लैक कलर की हील्स है, कंफर्टेबल है. मैं इतनी अब हील्स पहनना बंद कर दी है, बट दीज आर कंफर्टेबल. दीज आर फ्रॉम वुमेन स्क्वायर, मतलब वुमेन स्क्वायर के यहाँ पर ऑफलाइन स्टोर से है, मुझे नहीं पता ऑनलाइन स्टोर है उनका या नहीं, बट ऑफलाइन स्टोर यहाँ पर मेरे घर के साइड पास में है, वहां से मैंने ये वाली हील्स ली थी. सो सेकेंड पेयर ऑफ हील्स ये गोल्डन हील्स हैं, जो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ही है उस ब्लैक हील्स के, बस आगे से ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड दीज आर फ्रॉम आई गेस वुमेन्स वेयर ओनली, ये मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया लिए. ये एग्जैक्ट वो ब्लैक वाले की ही कॉपी है. ये वाली भी मतलब ओके है, मतलब आई डोंट फाइंड इट दैट कम्फर्टेबल, बट हाँ ये बहुत सुंदर लगते हैं. जब भी एथनिक वियर के साथ ये हर वो वाली जो है वो वेस्टर्न वेयर के साथ जाती है, ये गोल्डन वाली एथनिक वेयर के साथ जाती है. सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ हील आई हैव आर दीज वन. दीज आर पम्प्स फ्रॉम लुलु एंड स्काई. यस, मुझे इसका नाम पता है, पम्प्स. दीज आर फ्रॉम लुलु एंड स्काई, जो मैंने अपने लुलु एंड स्काई एंड क्लब फैक्ट्री हॉल में भी दिखाया था. ये हील्स बहुत बहुत सुंदर है. मुझे बहुत टाइम से रेड हील्स चाहिए थी और मैंने इसको जब
लुलु एंड स्काई पर देखा. आई जस्ट फेल इन लव विद दीज हील्स. ये इतनी इतनी प्रिटी हैं, आप लोग देख सकते हो, और कंफर्टेबल भी हैं. मतलब मेरे को ये बहुत ज्यादा पहनने का मौका नहीं मिला है. मैंने मतलब अपनी फोटोज और वीडियोज में ही इसे पहना है. मैंने कहीं अभी तक इसको बाहर नहीं ट्राई किया है. तो या सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ हील्स आर दीज वन. ये मेरी मोस्ट मोस्ट कंफर्टेबल पेयर ऑफ हील्स है, ये वाली एंड ब्राउन वाली. ये दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं. ये वाली लोकल मार्केट से है, दीज आर नॉन ब्रांडेड. ये मैंने अम्बाला के ही अपने घर के पास की लोकल मार्केट से लिया था. एंड या ये ऐसा दिखते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल है. दिस हैज दिस वेलवेटी सा मटीरियल और ये मैंने बहुत पहनी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी अभी खराब होनी शुरू हो गई है. ऑल्सो जो जो हील्स और शूज मैंने ऑनलाइन लिए थे, मैं उन सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप लोग एक बार देख सकते हो. सो द नेक्स्ट पेयर इज दिस वन. ये एक टाइम में बहुत चला था. इसकी हील दिखने में छोटी लगती है, बट वैसे 4 inches है ये. सो यार नेक्स्ट पेयर इज दिस वन ऑफ हील्स. ये आई गेस लास्ट हील्स में लास्ट पेयर है. सो ये वाली हील्स भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, दीज आर नॉन ब्रांडेड. और ये भी मैंने बहुत 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 पहनी है, मतलब बहुत. तो क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, हर ड्रेस के साथ जाती है और कलर बहुत अच्छा है. हर चीज के साथ, हर ड्रेस के साथ, हर जगह पर ये चलता है. सो नेक्स्ट अप आई वांट टू शो यू गाइज माय शूज. पहला जो है मैंने ये वाले शूज मंगवाए थे. दीज आर स्पोर्ट शूज. ये लुलु एंड स्काई से हैं. मैंने अपने हॉल में भी दिखा रखे हैं. सुपर कम्फी, सुपर ड्यूरेबल. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी. ये मैंने लुलु एंड स्काई से मंगवाए थे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगी. नेक्स्ट अप इन माय शूज आर लाइक दीज आर माय सेकंड मोस्ट फेवरेट आफ्टर दैट वाइट वन. ये वाले मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाए थे और ये बहुत प्रिटी लगते हैं. ये मतलब ये पूरे आउटफिट को ना लुक ही बहुत अलग सा दे देते हैं. मुझे बहुत बहुत यूनिक सा और अलग सा डिजाइन लगा था और ये मैं अभी भी काफी बार पहन चुकी हूँ. जबकि मैंने जनवरी में मंगवाए थे, तो जैसे ये आए थे मैंने उसके बाद ही ये काफी बार पहन लिए थे. और ये बहुत सुंदर है, बहुत. मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये दिखा चुकी हूँ. नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाले मैंने शीन से मंगवाए थे. मेरे पास व्हाइट कलर के ये वाले क्लब फैक्ट्री से मंगवाए हुए, जो मैंने बहुत टाइम पहने थे. ये ऑलमोस्ट भी नहीं, जस्ट क्वालिटी का फर्क है, बट डिजाइन इज एग्जैक्टली सेम. उस पर भी ऐसी किटन बना हुआ था और यहाँ पे फिश बनी हुई थी. इसके पीछे ये ऐसा डिजाइन बना हुआ था और ये व्हाइट पेयर है. ये बहुत बहुत प्रीटी है. तो नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज आर दीज वन, जो मैंने DIY करे हैं खुद. ये ब्लू कलर के स्नीकर्स थे, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पे डाल दूंगी. ब्लू कलर के स्नीकर्स थे जो बहुत पुराने हो गए थे और मैं उनसे बोर हो गई थी, तो मैंने इनको DIY करके ये ग्लिटर शूज में कन्वर्ट कर लिया, जिसका ट्यूटोरियल भी जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा. सो या आई मेड दीज माई सेल्फ. सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ शूज आर दीज. ये लोकल मार्केट से लिए थे, दीज आर नॉट ब्रांडेड. ये वाले आई हैव वॉर्न देम अलॉट. व्हेन आई से अलॉट, मतलब मैं हर रोज पहनती थी, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो. मैंने ये अपनी 11th में लिए थे मैंने, आई गेस अभी आई एम इन कॉलेज. 11th एंड 12th मैंने ये वाले शूज बहुत 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 पहने हैं. मतलब हर ड्रेस के साथ, हर चीज के साथ ये जाते थे. तो अभी बट मैंने ये पहनने बंद कर दिए. एंड दीज आर दी ओनली ब्लैक पेयर ऑफ शूज आई ओन. सो नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट आई हैव आर दी बूट्स. मेरे पास दो पेयर ऑफ बूट्स है, तीन थे, एक अंदर पड़ा है, वो बहुत ही खराब है, सो आई वोंट शो दैट. ये वाले जो बहुत ज्यादा ही चल रहे हैं, बहुत 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 ट्रेंड में है, ये वही एग्जैक्टली बूट्स है जो हर दूसरी लड़की के कबर्ड में होते हैं, हर दूसरी लड़की के पास होते हैं. आई हैव दीज इन कॉफी कलर और ये भी वेलवेटी स्टफ में है. ये मेरे पास लेदर स्टफ में नहीं है, वेलवेट वाले स्टफ में है, लोकल मार्केट से लिया है. सो या नेक्स्ट पेयर ऑफ बूट्स आई हैव आर दीज वन. ये ब्राउन कलर के हैं. मेरे पास ब्लैक कलर के बूट्स नहीं है, मुझे हाई नी वाले बूट्स ही चाहिए है. मुझे नहीं पता मैं वो कब लेने वाली हूँ, बट अभी मेरे पास ये दो पेयर ही हैं. ये वाले भी बहुत कंफर्टेबल है, सर्दियों में ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ ये चले जाते हैं. सो या आई लव दीज. सो ओ आई फॉरगॉट टू शो यू दिस प्रिटी पीस. ये बहुत पुराने हो गए हैं, बट मेरा इसको फेंकने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों. ये मैंने
क्लास 10th में, मेरा साइज सेम चल रहा है, 10th, 9th, 10th, 11th, 12th सब सेम चल रहा है, ये मैंने क्लास 10th में बहुत पहने थे एंड व्हेन आई से बहुत, मैंने बहुत बहुत पहने थे कि इसकी हालत इतनी खच्चड़ आप लोग भी देख सकते हो, बट मेरा इसको फेंकने का मन नहीं करता क्योंकि ये अभी तक भी बहुत कंफर्टेबल है। ये बहुत ट्रेंड में आए थे पता है, जीन्स वाले 2-4 साल पहले बहुत बहुत ट्रेंड में थे, तो तब मैंने ये लिए थे। सो नेक्स्ट अप आई हैव आर दीज स्लीपर्स, आई शुड कॉल देम स्लीपर्स, आई डोंट नो व्हाट, मतलब बाहर पाने वाली ही है ये भी। ये मैंने शीन से लिया था और शीन हॉल जल्द ही आ रहा है तो ये मैंने शीन से लिया था एंड प्राइस वगैरह वो शीन हॉल में मैं बता दूंगी और लिंक तो अभी भी कर दूंगी। चलो ये मैंने शीन से लिए थे, बहुत बहुत प्रिटी लगे मुझे ये। इसका मटेरियल जो है जूट, मतलब ये दिखने में लगता है कि ऐसा वो रस्सी रस्सी वाला होता है ना जूट वाला वो है, बट ये एक्चुअली में जो है ये रबड़ है। सो नेक्स्ट अप आई हैव आर दीज, जो घर पर हम लोग वो कॉटन से वाली चप्पल पहनते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ही एकदम डिट्टो मेरे पास ब्लू कलर में है, मतलब नॉट दिस टेडी बियर, मतलब सेम चीज ब्लू कलर में है विच इज इन माई होस्टल, मैंने होस्टल में रखा हुआ था, मैं लाना भूल गई। सो या नेक्स्ट अप आई हैव आर दिस सम सैंडल वाली चीज, सैंडल्स ही होते हैं ये आई गेस, जो इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न एथनिक हर किसी के साथ जाते हैं कि बहुत प्रिटी है। इसका एक बटन निकल गया था तो मैंने दूसरा भी निकाल दिया, ये भी लोकल मार्केट से है एंड आई लव देम। सो द नेक्स्ट पेयर ऑफ सैंडल्स, आई गेस इसको फ्लोटर्स बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये नेक्स्ट पेयर ऑफ सैंडल्स ही बोल लेती हूँ मैं। सैंडल्स जो है ये वाले है, ये भी बहुत बहुत कंफर्टेबल है, मुझे नहीं पता ये वाले कहाँ से, ये आई गेस मेरी बहन ने लिए थे बट अभी ये मेरे पास रहते हैं, तो मतलब मेरे पास रहते हैं नहीं, मेरे पास हैं। सो ये भी बहुत कंफर्टेबल हैं। सो या नेक्स्ट अप आई हैव द लास्ट थिंग इन द वीडियो आर दीज ब्लैक कलर की चप्पल्स, जो ऑलमोस्ट हर चीज के साथ हर आउटफिट के साथ जाते हैं, दे आर सुपर कम्फी एंड या। So guys, that's it for today's video. I hope you all enjoyed it. If you liked the video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel and comment down below what you want next. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं polls डालती रहती हूँ कि कौन सी video मुझे डालनी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए video से related stuff. So yeah. So, bye-bye.